गुड इवनिंग आई एम आलिया एंड ऑबियसली यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स वेलकम टू माई शो अपने आज के प्रोग्राम में मैं आपके सामने एक ऐसे इशू पर बात कर रही हूँ कि जो पाकिस्तान में जिसने एक बड़ा एक हंगामा बर्पा कर दिया है हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती बहुत जल्दी में बहुत से बिल पास करवा लिए कोई 40-50 बिल ऐसे हैं जो गवर्नमेंट पास करवा चुकी है और उसमें आहिस्ता आहिस्ा उनमें बहुत से ऐसे ज़रूरी बिल हैं जिनके ऊपर हम बात करते रहेंगे लेकिन इस वक्त जो मैं बात कर रही हूँ वो कुलभूषण यादव के बिल जो अप्रूव हुआ है उसके हवाले से क्योंकि जो अपोजिशन है उसके पास इस वक्त उसके हाथ में एक टूल आ गया है अब उसको एक ऐसी चीज़ मिल गई है जिसके ऊपर जाहिर है कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और इसकी वजह आप जानते हैं कि इससे पहले यहाँ पे तो वैसे आम तौर पर जो भी हुकूमत आती है वो इस तरह के टूल्स यूज़ करती है लेकिन ये जो गवर्नमेंट है इसने तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया इंडियन कार्ड बहुत यूज़ किया और मोदी का जो यार है ये कह के कर लोगों को गद्दार कहा गया अपोजीशन के ऊपर बहुत से ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए तो अब क्योंकि कुलभूषण यादव के हवाले से एक बिल पास हो गया है और इस गवर्नमेंट ने करवाया है इस हुकूमत ने करवाया है जिसमें अब उस बिल में ये अप्रूव किया गया है कि जो कुलभूषण यादव है जो अपील का हक हाँ है वो दिया जाएगा कुलभूषण यादव को तो ये एक बहुत बड़ी बात है इसके ऊपर जब बहुत हंगामा आ रही हुई और अपोजिशन की तरफ से बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया गवर्नमेंट को उसके बाद पाकिस्तान के अटर्नी जनरल ने इन कैमरा ब्रीफिंग की और पार्लियामेंटेरियंस को ये बताया कि दरअसल ये जो बिल अप्रूव हुआ है ये कोई ख़ास तौर पर सिर्फ़ कुलभूषण यादव के लिए नहीं हुआ बल्कि पाकिस्तान में ऐसे जितने भी लोग हैं उनके लिए जो है ये बिल अप्रूव हुआ है कि वो उनको ये वाला अब राइट मिलेगा कि वो इस तरीके से अपील में जा सकते हैं लेकिन ये बताने से तो जाहिर है कि कोई वो फ़र्क नहीं पड़ेगा अपोजिशन पर क्योंकि अपोजिशन ये इस वजह से नहीं कर रही कि क्योंकि ये दिया गया देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं और ये होना चाहिए ऐसे ही समझना चाहिए कि इस तरह के जो केसेस होते हैं कि जिसमें वियाना कन्वेंशन दरमियान में आए जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे का मामला हो तो फिर उन मामला को आपको उसी नज़र से देखना चाहिए और जो रूल्स एंड रेगुलेशन उन पर अमल करना चाहिए चाहे कोई भी कंट्री हो जैसे आपको याद होगा अभिनंदन का जो मामला था तो उस वक्त भी वाना कन्वेंशन के हवाले से हमें हर सूरत जो है वो वापस करना ही करना था और वो किया गया और जो लोग उस वक्त ये कह रहे थे कि नहीं नहीं रख लें ये तो हमारे हाथ एक किया आ गया वो हो गया वो दरअसल मेरा ख्याल है कि इग्नोरेंस की वजह से होता है बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि हम दुनिया के लॉस पर हम अमल नहीं करेंगे तो फिर कोई बात नहीं क्या फ़र्क पड़ता है हम नहीं देते जो मर्ज़ी कर लें इसकी भी ऑप्शन में आगे चल आपको बताती हूँ कि क्या है आ, अपोजिशन जो है उसको एक बहुत बड़ा इस वक्त मौका मिला है कि वो गवर्नमेंट को ये बता सके कि देखो तुम दूसरों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हो तुम लोग हमेशा ये करते रहे हो पिछले तीन सालों में क्या कुछ नहीं किया तो अब वही काम वही यूटर ले लिया गया है और बल्कि ये कहा जा रहा है कि ना सिर्फ ये कि कुलभूषण को एन दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि जिस तरह आप एन का इल्ज़ाम लगाया करते थे ना दूसरों पर उसी तरीके से अब आप एन दे रहे हैं कुलभूषण को ताकि उसको निकलने का मौका मिले और आप भारत ए, की वजह से ही कर रहे हैं आप भारत से ताल्लक़ बढ़ाना चाहते हैं आप जो हैं वो नरेंद्र मोदी से ताल्लुक बढ़ाना चाहते हैं इस हुकूमत को ये कहा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से और आपको मोहब्बत है भारत से आपको मोहब्बत है नरेंद्र मोदी से इसलिए आपने ये बिल अप्रूव करवाया और अब आप जो है उसको एन दे रहे हैं अच्छा जब मैं ये सब देख रही थी तो इसके साथ एक और आर्टिकल पर भी मेरी नज़र पड़ी वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि इंडियन न्यूज़पेपर में ही पब्लिश हुआ है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है उसमें सवाल ये उठाया गया है कि सपोज़ कि पाकिस्तान इनकार कर देता है पाकिस्तान रिफ्यूज़ कर देता है आई को कि हमने तुम्हारी बात नहीं मानी तो फिर क्या होगा ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़ा अहम एंगल है बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है इस केस का कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी केस होता है तो ऐसे आ, बहुत सारे केसेस जहाँ पर पहले भी हो चुके हैं और अगर आइंदा होते हैं तो इसको समझने की बड़ी ज़रूरत है कि जिस तरह यह केस है कुलभूषण यादव का और पाकिस्तान जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है वो कहता है हम ये एक इसलिए ज्यूम कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो बिल अप्रूव कर चुका पाकिस्तान ऐसा नहीं करना चाहता था वो भी बताऊंगी कि क्यों नहीं करना चाहता या क्या सब कुछ है लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी कि उस पेपर में मैंने देखा कि बड़ी तफसील से इसके हवाले से ये सवाल उठाया गया कि फ़र्ज कीजिए इसके जो ऑप्शन हैं वो क्या क्या हैं तो ये बताया गया कि देखिए जैसे पाकिस्तान रिफ्यूज़ कर देता है और कहता है कि नहीं हम आई की बात नहीं मानते तो ऐसा नहीं है कि आई जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो हर कीमत पर ऑन एवरी कॉस्ट जो है वो उसको करती है इंसिस्ट करती है कंट्री को कि नहीं तुम्हें ये करना पड़ेगा ऐसा नहीं है वो एक बस आप कह लीजिए कि एक टाइम तक करेंगे एक सर्टन लिमिट है जहाँ तक वो करते हैं उसके बाद वो पीछे हट जाते हैं यानी ठीक है कि अगर कोई नहीं करना चाहता तो उनके पास अच्छा उसके बाद क्या होता है कि अगर आई सी को इनकार कर दिया उनने थोड़ा सा इंसिस्ट किया कहा ये किया वे किया उसके बाद वो पीछे हट गए कि भाई पाकिस्तान नहीं मान रहा तो फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आगे आती है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो कहती है दोनों कंट्रीज़ को जिनके दरमियान में डिस्प्यूट होता है वो उनको कहती है कि भाई ये मामला हल करें और इसको किसी भी तरीके से जो आपने सॉल्व करना है रिजॉल्व करना कीजिए लेकिन आ, उसके ऊपर भी अगर नहीं होता और कंट्री नहीं मानता यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे भी इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि जैसे निकारा और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान डिस्प्यूट था उसके बावजूद के डिसीजन नकारा के फेवर में आया था यूनाइटेड स्टेट्स ने वो मानने से इनकार कर दिया तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको कहा लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया नहीं माना तो फिर होता क्या है फिर होता ये है कि आप जानते हैं कि जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो अपना वीटो का राइट यूज़ कर सकते हैं ठीक है अब इस वक्त पाकिस्तान के अगर हम इशू को इस तरीके से देखें तो उसमें यह है कि पाकिस्तान के फेवर में चाइना वीटो कर सकता है यानी पहले ये कि पाकिस्तान रिफ़्यूज़ करे आईसीजे को ना माने फिर मामला जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाए वहाँ पर जाने के बाद भी मामला ना बन सके पाकिस्तान फिर भी स्टैंड ले और कहीं नहीं हमने नहीं माननी तुम्हारी बात तो फिर उसके बाद उस सूरत में जो है वो चाइना से कह सकता है पाकिस्तान के आप इस केस में हमारे फेवर में वीटो करें इसको अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि चाइना कौन सा हमारा आजकल इतनी बात मान रहा है वो तो गुस्से में है वो तो इतनी लड़ाई झगड़े के साथ जो अपने दासू डैम और वो सी पैक ये सब कुछ की वजह से हम देख रहे हैं क्या हो रहा है तो क्या वो हमारी बात मान लेगा ऑप्शनस आपके पास क्या क्या होती हैं ठीक है थीके? वो बाद में बात करते हैं कि चाइना ऐसा करेगा या नहीं करेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किसी मामले में सिर्फ उस वक्त तक एक आखिरी लिमिट तक जाएगी यानी वो कहेगी कि नहीं ये आपने हर सूरत इसको रिजॉल्व करना है इस मसले को अगर अगर जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है वो एट स्टेक होंगे तब तो सिक्योरिटी काउंसिल ये कर सकेगी लेकिन जाहिर है कि यहाँ पे तो ऐसा मामला नहीं और आम तौर पर जो तमाम इश्यूज आते हैं वहाँ पर इस तरह के वो ऐसे ही होते हैं कि जो दो कंट्रीज़ के बीच होते हैं जो पूरे कोई इंटरनेशनल उस पर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती यानी कोई इस तरह का मामला नहीं हो सकता कि दुनिया में आग लग जाएगी या जंग छिड़ जाएगी या ये कि दुनिया तबाही की तरफ चली जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है फिर वो एक ऐसा कदम उठाएगी कि स्टेप लेगी तो फिर वो मजबूर करेगी उस कंट्री को कि आपने ये काम करना है तो ये है सिचुएशन यानी अब हम ये देख लेते हैं कि पाकिस्तान के पास क्या ये ऑप्शन है क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है देखिए इसमें पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान अगर ऐसा करना चाहता तो वो ये बिल अप्रूव ही ना करवाता ये गवर्नमेंट जो है अगर ऐसा करना चाहती तो ये बिल अप्रूव क्यों करवाती तो ऐसा तो कोई है नहीं दूसरी बात ये कि जो कंट्री बहुत कुछ आ, ज़रा स्टेबल हो इकनॉमिकली भी और वैसे फाइनेंशली और फिर इसके अलावा उसकी से हो दुनिया में उसके बड़े अच्छे तल्लक हों दुनिया में और जो दूसरा कंट्री है वो उससे थोड़ा कम हो तो फिर तो आप इसके ऊपर स्टैंड ले सकते हैं और आप कहें कि हमारी मानी जाएगी लेकिन पाकिस्तान के साथ तो ऐसा है नहीं ठीक है और फिर ये भी कि अगर पाकिस्तान फ़र्ज की जैसा करता है तो इंडिया बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जोर लगाएगा भारत इस तरीके से तो इस मामले को नहीं छोड़ेगा ज़ाहिर उसकी तरफ से बहुत प्रेशर आएगा वो अपने जो उसके अलाइज़ हैं उनको कहेगा कि देखिए हमारे साथ ये हो रहा है वो उसके ऊपर जो है कैंपेन एक स्टार्ट होगी और फिर अमेरिका से कहा जाएगा कि आप इनको कहें और दूसरे कंट्रीज़ जो हैं फिर आप देख लीजिए कि इंडिया के अलाए कौन कौन है इसराइल अमेरिका रशिया मतलब जो सुपर पावर्स हैं दुनिया की जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं वो उसके बाद जो है वो मानते हैं और वो उनको कह सकता है तो ये सब मामला जो हैं जाहिर है कि फिर वो ये वाले कंट्रीज इसमें पड़ जाएंगे, फिर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आएगा कहीं ना कहीं से कि आप ऐसा करें आप ऐसा करें और फिर जाहिर है कि जब आप बहुत सारे कंट्रीज से कहीं ना कहीं मदद हासिल करते हैं तो फिर आपको उनकी बात माननी पड़ती है और फिर आपको बात जो है वो माननी पड़ेगी फिर एक और ऑप्शन फर्ज कीजिए आप तब भी कहते हैं कि नहीं हम ठीक है आप ना दें पैसे हमें हम नहीं लेते लेकिन हमारा ये इंटरनल मामला है आप इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उस सूरत में जाहिर है कि चाइना की तरफ हम देखेंगे कि जनाब चाइना जो है वो हमारी फेवर में ये ऐसा कर दे वीटो तो फिर क्या चाइना करेगा इसकी वजह ये कि चाइना के तो बहुत सारे कंट्रीज से जो हैं वो मामलात हैं ताल्लुक हैं पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं भाई बहुत ज़बरदस्त हैं हम मानते हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल क्या चल रहा है उन्होंने तो जो है बाकायदा धमकियाँ दी हैं हमें और कहा है कि ये मामला हल करें लोगों को पकड़ें रासू डैम वाला जो वाक़ हुआ उसके बाद युवा सी पैक के ऊपर उनको इतनी रिजर्वेशनज हैं तो इस सूरत में कि इस वक्त इस हुकूमत में इस गवर्नमेंट में तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हो सकता है वैसे तो आ, ये मामला वहाँ तक पहुँचे ही नहीं मैं नहीं समझती इसको और फिर मैंने आपको ये ऑप्शन बता दिए इसमें से हम मेरा नहीं ख्याल कि इस काबिल है कि हम इनमें से कोई ऑप्शन ले सकें या हमें लेना चाहिए अब इस बात पे आते हमें देखें जिस तरह मैंने कहा कि ऐसे जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं उस पर आप ये सब कुछ करके जो है वो कुछ हासिल नहीं कर पाते यानी आप अगर ये फ़र्ज़ कीजिए कर भी लेंगे तो आपको क्या मिलेगा इससे कुछ नहीं मिलेगा हाँ मैंने एक दफ़ा इंटरव्यू किया था बड़ी अच्छी बात की थी जो वो हैं हमारे असद दुरानी साहब जो रिटायर्ड जनरल हैं आ, और वो आईएसआई के पहले हेड रहे थे उन्होंने उनके ऊपर मैंने काफ़ी अर्सा पहले जब इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि ये ये जो है ना ये डिस्प्यूट बहुत पहले हल हो जाना चाहिए तो और इसके बदले लेन और लेन होती है उन्होंने कहा कि ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं कंट्रीज़ के पास उनको फ़ायदा देने के लिए होते हैं कि भाई चलें ठीक है अब हमारे पास ये तो ऐसा करें आप हमारी बात ये मान चलें जी ये है तो फिर ऐसा करते हैं कि इतने अरसे के लिए सीज़ फायर करते हैं ऐसा करते हैं कि फिर हम अपने जो है आप हमें ये हमें हेल्प आउट कर दें तो हम आपकी बात मान लेते हैं कंट्रीज पूरी दुनिया के ऐसे ही करते हैं कि ठीक है ऐसा कर लेते लेकिन हम तो मतलब ये करने से भी रह गए हैं ना हुकूमत गवर्नमेंट तो ये सोच ही नहीं रही फिर मैंने ये जो बात कही कि गवर्नमेंट जो है वो क्या इस बारे में सोचेगी कि वो वहां तक जाए तो इतने इंटरनल मसाइल हैं गवर्नमेंट को तो सबसे बड़ी इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि अगला जो पाँच साल है वो कैसे लेने हैं आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो Uh, क्या कहना चाहिए कि मन धन तन का जो एक जंग लगी हुई है इस वक्त वो ये है कि भाई पाँच साल अगले जो हैं वो हम नहीं आना है और किस तरीके से आना है और वो गेम्स कौन कौन सी हैं तो पूरी गेम्स जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं चेस की गेम लगी हुई है एक बहुत कमाल ज़बरदस्त और शह और माँ जो है वो हो रही कभी किसी को होती है कभी किसी को होती है लेकिन अल्टीमेटली हम देखेंगे कि अगले इलेक्शन से पहले होता क्या है तो ये है सूरत हाल तो जब आपके अपने इतने पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हों डिस्प्यूट्स हों वहाँ पे आप कहाँ देखते हैं ऐसे इश्यूज की तरफ़ कि अच्छा हम ये करेंगे तो ये करेंगे वो तो आपको जो है वो बड़ी एक कहना चाहिए कि बड़े अच्छे आपके हालात हों और बहुत इस तरह के स्ट्रेटजिक जो मामला होते हैं उनको लेकर हुकूमतें चल रही हों तो उस वक्त ऐसा सोचा जाता है लेकिन इसके अलावा एक आखिरी मैं बात आपसे ये कहूँगी इस टॉपिक पर और वो ये है कि अगर पाकिस्तान के और इंडिया के तलुकत ख़राब हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब इस हद हाँ तक आप जानते ही हैं पाकिस्तान और इंडिया के तलक़ा ख़राब होने में तो कोई देर नहीं लगती वो जिस तरह बारिश जो है वो बरसात के दिनों में होता है ना कि रेनी सीज़न हो तो बारिश का होने का और ना होने का पता नहीं चलता हो के ख़त्म हो जाती है तो इसी तरीके से जो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनस हैं उनके अच्छे होने और ख़राब होने का पता नहीं चलता कब अच्छे हो जाएँ कब बुरे हो जाएँ तो प्रॉब्लम ये है कि अगर तो तलुकत बहुत ख़राब हो गए मतलब ये कि सीज़ फायर जो है वो ख़त्म हो गया मतलब एल ओ सी पर जो है वो गोलाबारी शुरू हो गई कोई जंगी इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई जंग के हालात पैदा हो गए तो उस वक्त हो सकता है कि पाकिस्तान के पास ये मौका हो कि वो इस ऑप्शन को जो है वो यूज़ कर सके और इस तरह का वो कहे कि ठीक है अगर ये है तो फिर ये सही फिर हम ऐसा करेंगे लेकिन ये तो मैंने सिर्फ़ एक बात इस तरह की बहुत दूर की बात में लेकर आई कि अगर ऐसा होता है मज्यूम कर रहे हैं कि उस वक्त इस मसले को यूज़ किया जा सकता है लेकिन ये मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये जो एक अपील का हक दिया गया है अब आगे जो है वो इसी तरीके से चलेगा और हम देखेंगे कि कौनसलर रसाई भी मिलती है क्या और बाकी जो मामलाते हैं वो भी होते हैं लेकिन जहाँ तक जो मैं पढ़ रही थी और सारा देख रही थी उसमें जहाँ तक छोड़ने का मामला या वापसी का मामला है ऑप्शंस तो ये सारे मौजूद हैं लेकिन वो इतना आसान नहीं है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं बाकी स्टेप्स बढ़ते जाएं और एंड तक हम पहुंचे तो वो भी मुमकिन है लेकिन मेरा ख़्याल है कि वहाँ तक पहुंचना और फिर उसके बाद वो होना वो शायद इतना आसान ना हो तो देखते हैं क्या होता है इस केस में मेरे मुझे मुझे ये सारी डिटेल्स जो हैं ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिटेल्स लगी मैंने कहा इसके ऊपर बात हो जाए और सबसे बड़ी बात तो ये थी क्योंकि इस वक्त यहाँ पर चल ही रहा है कि हुकूमत के ऊपर जो लान तान हो रही है और जो उनको बुरा भला कहा जा रहा है वो एक इस वक... की वजह से कहा जा रहा है कि ये एन जो है वो दे दी दे दिया गया है और दूसरा टीएलपी के ऊपर कहा जा रहा है कि आप दूसरों को जो है वो ये कहते थे और अब आपने खुद ही जो है वो टीएलपी को रिहा कर दिया तो हुकूमत के ऊपर इन दो तीन इश्यूज़ की वजह से बहुत कुछ कहा जा रहा है खैर कहा तो बहुत कुछ जा रहा है लेकिन हुकूमत ने भी ठानी हुई है उसने सोचा हुआ है कि अगले पाँच साल हमने लेने ही लेने हैं क्योंकि उसके बाद हमें टाइम नहीं मिलने का लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि इस हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि अगले पाँच साल के लिए इतनी ज़्यादा तगो दो करने की बजाय अगर वो ये सोचें कि फर्ज कीजिए किसी और के पास भी ये चले जाते हैं अगले जो है टर्म तो उन्हें ये मौका मिलेगा कि वो अपनी ग़लतियों पर नज़र डाल सकें बैठ के वो जान सकें ये सब कुछ क्या और उसके जो तैयारी कर सकें आगे के लिए और उसके जो बाद पाँच साल हैं वो उसमें आकर शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकें अभी तो मैं समझती हूँ कि अगर दोबारा आपने इसी तसलसल को कायम रखा तो मुझे नहीं लगता कि अगले पाँच साल भी जो है उस तरीके से फ्रूटफुल हो सकेंगे इस हुकूमत के लिए और ये आवाम को कुछ दे पाएगी पैर चलें ये तो देखते हैं कि टाइम क्या दिखाता है हमें चलें इजाज़त दीजिए दोबारा मुलाकात होगी टेक केयर एंड गुड बाय